अब हम यहाँ से जो मिडिल गंगा प्लेन और ईस्टर्न इंडिया वाला एरिया है, वहाँ पे जो नियोलिथिक या चैल्कोलिथिक विलेजेस प्रॉपअप हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने कोलडेवा, महागड़ा, कुंचन और लहुरा देव से जो हमें चावल के प्रमाण मिले थे उनके बारे में डिस्कशन किया था। लेकिन जो प्रॉपर विलेज सेटलमेंट्स है ना, वो करीब करीब 3000 से 2000 BC के आसपास यहाँ पे प्रॉपअप होना स्टार्ट होती है। और बहुत सारी साइट्स नहीं हैं, कुछ ही साइट्स हमें यहाँ से मिली हैं। जो मेजर डिविजन्स हैं इस मिडिल गंगा प्लेन के, वो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। यूपी की अगर बात करें तो यहाँ से जो हमें न्योलिथिक साइट मिली है उसका नाम है सोहागौड़ा। सोहागौड़ा यहाँ से 6 कल्चरल सीक्वेंसेस मिले हैं हमें सोहागौड़ा से, यानी कि 6 लेवल्स पे खुदाई करने पे सेटलमेंट्स के सबूत मिल जाते हैं। जो सबसे पहला यानी कि सबसे निचला लेवल है उसको बोलते हैं पीरियड 1, जैसे हमने बताया था, डिस्कस किया था। और इस पीरियड 1 से हमें न्योलिथिक एविडेंसेस मिलते हैं कि यहाँ पे नवपाषाण गांव बसने लगे थे। ठीक है, सबसे जो नीचे वाला पीरियड है। और इस पीरियड 1 से होते हुए पीरियड 6 तक, मिडिवल पीरियड तक पहुँच जाते हैं खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट। ये है 6 कल्चर सीक्वेंस सोहागौड़ा का। यहाँ से जो न्योलिथिक लेवल की जो पॉटरी मिली है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं पकाई गई थी, हाथ से बनाई हुई थी, मतलब व्हील का भी उन्होंने यूज़ नहीं किया है, और थोड़ा सा कोर्स और मीडियम सा ही फैब्रिक है इसका। लेकिन अगर हम बिहार की बात करते हैं, यूपी से तो हमें सिर्फ एक ही साइट है जिसका हमने अच्छे से उत्खनन किया है, पर बिहार से हमें काफ़ी सारी न्योलिथिक और न्योलिथिक चालकोलिथिक साइट मिल जाती हैं। ठीक है, इनमें से जो 5 अच्छे से हमने एक्सकोवेट किए हैं वो हैं चिरांद, सेनुआर, छेचर कुतुबपुर, मनेर और तारादीह। इनकी लोकेशंस आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार हैं, चिरांद, छेचर, सनुवार, सोहागौड़ा और जो लास्ट है तारादीह, वो जो बोधगया मंदिर है ना, बुद्ध का जहाँ एनलाइटमेंट मिली थी उसके आसपास वाली लोकेशन पे है। सबसे पहले चिरांद की बात कर लेते हैं। चिरांद जो है उसकी सेटलमेंट 3000 BC के आसपास की है। यहाँ से हमें कुल्हाड़ी और स्टोन्स के हैमर्स मिलने लगते हैं, और स्टोन्स में भी कौन से स्टोन सबसे ज़्यादा यूज़ हुए थे, क्वार्ट्जाइट, बसाल्ट और ग्रेनाइट के, जो सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। काफ़ी सारे जानवरों की हड्डियों की चीज़ें बना रखी थी और एंटलर की भी काफ़ी चीज़ें बनाई हुई थी। एंटलर क्या होता है, जो हिरन होता है ना उसका शिकार कर लेते थे ये लोग, और हिरन के ऊपर जो बड़े बड़े सींग होते हैं ना उनको एंटलर्स बोलते हैं, काफ़ी बड़े बड़े और घुमावदार होते हैं, तो इनसे चीज़ें बनाना काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें बनाना आसान था। इसके अलावा यहाँ से पॉटरी की बात करें चिरांद की, तो लाल कलर की, ग्रे कलर की और काली कलर की पॉटरी हमें मिलती है। ज़्यादातर पॉटरी हाथ से बनाई हुई थी, कुछ कुछ टर्नेबल पॉटरी भी थी लेकिन ज़्यादातर हैंडमेड ही थी। पॉट्स को रेड पेंट किया जाता था। ठीक है, बर्निश्ड पॉट्स भी थे। बर्निश्ड का मतलब क्या होता है, बर्निश्ड हम आपको पॉटरी में कई बार मिल जाएगा। बर्निश्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक पॉट बनाया, सपोज़ कीजिए आपने कोई टेराकोटा का या किसी भी मिट्टी की, चिकनी मिट्टी का कोई बर्तन बनाया है, उसके आप पर आप जब घिसाई कर देते हैं किसी रफ़ सर्विस से, जैसे आज हम सैंड पेपर यूज़ करते हैं ना मिट्टी को, वो मिट्टी की कोई बनी हुई चीज़ को घिसने के लिए, उसी तरीके से किसी रफ़ चीज़ को लेके इस पर घिसाई कर देते हैं ताकि ये क्या है, इसका सरफेस जो है स्मूद हो जाए, और एक बार स्मूद हो जाएगा तो इस पर आप पेंट करोगे ना तो एकदम चिकना चिकना लगेगा ये, तो इसको बोलते हैं बर्निश्ड वेयर। ठीक है, एक होता है नॉर्मल वेयर जिसमें आपने मिट्टी का बर्तन बनाया उसे पकाया डायरेक्ट पेंट कर दिया, और एक होता है बर्निश जिसकी आपने घिसाई की और उसको चमकीला सा उसको बनाने की कोशिश की। बीड्स मिली है हमें चिरान से कई कई, अगेट, कार्निलियन, जैस्पर, जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स होते हैं बीड्स बनाने के उनकी। ठीक है, इसके अलावा कॉपर का कोई भी ऑब्जेक्ट हमें चिरांद से नहीं मिला है, तो ये सिर्फ एक न्योलिथिक साइट है, चालकोलिथिक साइट नहीं है। टेराकोटा के फिगर्स बने हुए हैं, उसमें से सांड के चित्र, बर्ड और स्नेक। स्नेक्स का पहले हमें कोई टेराकोटा फिगरीन नहीं मिला है, तो पहली बार हमें टेराकोटा फिगरीन मिला है किसका, स्नेक का। यहाँ से टेराकोटा की और भी चीज़ें हैं, बीड्स, बैंगल्स, व्हील्स, बॉल्स एट्सेट्रा। ठीक है, अगर लोगों के स्ट्रक्चर्स की बात करें कि लोग कैसे रह रहे थे, तो वही सर्कुलर गोल झोपड़ियाँ, वाटर एंड डब की, और अंगीठियाँ बनी होती थी घरों के बीच में, ऐसे चूल्हे बने होते थे। प्लांट रिमेन्स की अगर बात करें तो राइस, व्हीट, बार्ले और दाल जैसे मूंग और मसूर, ये सारी फेमस थी, ये सब उगाई जा रही थी। काफ़ी सारी हड्डियाँ मिली हैं जानवरों की, बर्ड्स की, फिशेस की एट्सेट्रा की। ये तो हो गई चिरांद की बात। ठीक है, अब बात कर लेते हैं छेछर की। छेछर जो है, यहाँ से हमें जो न्योलिथिक डिपॉजिट मिला है वो 3 फेजेस में है, और वो जो
ये जो तीन फेजेस है ना, इनका डिफरेंशिएशन पूरा पॉटरी के ऊपर है कि अलग अलग पॉटरी मिली है हर फेज से हमें। यहाँ पे घरों के बीच में अंगीठियाँ लोकेटेड थी और काफ़ी सारी हड्डियाँ मिल जाती हैं हमको जानवरों की और हिरन की भी, और बीड्स मिल जाती हैं छोटी छोटी स्टियाटाइट और चालसडने की। नेक्स्ट साइट है सेनुआर। सेनुआर अभी ये दोनों साइट क्या थी, नियोलिथिक है, यहाँ से हमें कॉपर के अभी तक एविडेंस नहीं मिल रहे हैं। अब सेनुआर साइट थोड़ी सी अलग हो जाती है क्योंकि यहाँ पे चैल्कोलिथिक के भी एविडेंसेस मिलने लगते हैं। चलो उसके बारे में देखते हैं। सेनुआर से हमें चार पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन देखने को मिलता है कि पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4। जो पीरियड 1 है ना वो नियोलिथिक है कि यहाँ लोगों ने पहले गांव बसाए, थोड़ा थोड़ा खेती करना स्टार्ट किया, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, अमृत भांड बनाना स्टार्ट किए, कम्युनिटी में रहना स्टार्ट किया, थोड़ी बहुत ट्रेडिंग स्टार्ट की। फिर जो सेकेंड वाला पीरियड है ना वो क्या आ जाता है, चैल्कोलिथिक आपका, यहाँ से कॉपर का इस्तेमाल चालू हो जाता है। तो पहले नियोलिथिक है, फिर चैल्कोलिथिक है, फिर थर्ड और फोर्थ फेज बाद की फेजेज हैं। थर्ड फेज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर का है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि NBPW क्या होता है। और जो चौथा फेज है वो तो अर्ली सेंचुरीज में एकदम 1000 BCE के बाद का, जो वो 100 CE के बाद का जो पीरियड है उससे स्टार्ट हो जाता है फोर्थ फेज। तो अभी हमारे लिए रेलेवेंट कौन से हैं, पीरियड 1 और पीरियड 2। जो पीरियड 1 है वो नियोलिथिक है, पीरियड 2 चैल्कोलिथिक है। पीरियड 1 की बात कर लेते हैं तो यहाँ से हमें तीन तरीके की पॉटरी देखने को मिलती है। एक होती है लाल, ठीक है, एक है बर्निश्ड लाल मतलब चमकीली लाल, और एक है बर्निश्ड ग्रे, चमकीली ग्रे कलर की। हो सकता है ब्लैक कलर किया हो, ओवर द टाइम धुल धुला के ग्रे कलर में तब्दील हो गया हो, यही होता है, ठीक है। ग्रे मतलब ब्लैक जो लाइट हो चुका है। ज़्यादातर पीटरी अब इस टाइम पे ज़्यादातर पॉटरी क्या है, व्हील मेड है। इससे पहले वाली जो साइट्स हमने देखी हैं चिरांद की और दूसरी जो साइट हमने देखी थी छेचर की, वहाँ से जो पॉटरी मिली थी वो हाथ से बनी हुई थी। पर सेनुआर की जो पॉटरी है वो क्या है, व्हील मेड है। इसके अलावा हमें सेनुआर से काफ़ी सारे माइक्रोलिथ्स मिलते हैं, चर्च चालसडनिया गेट के, इन सब के काफ़ी सारे स्टोन टूल्स मिलते हैं, सिलबट्टे मिलते हैं, छोटी छोटी हथौड़ियाँ मिलती हैं, छैनी वगैरह मिलती हैं, बहुत सारे अलग अलग टूल्स मिलते हैं जो खेती से रिलेटेड होते हैं। एनिमल्स बोन्स काफ़ी सारी मात्रा में मिली हैं यहाँ से, वो भी डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड दोनों तरीके की। डोमेस्टिकेटेड में कैटल, बुफेलो, शीप, गोट, पिग, कैट, डॉग सब आ जाते हैं। कैटल में कौन आएगा, गाय और सांड दोनों, कैटल मतलब गाय सांड दोनों। और वाइल्ड एनिमल्स में यहाँ पे नील गाय, चीतल, एंटीलोप, जो सेंट्रल इंडिया के जो मेजर वाइल्ड एनिमल्स हैं वो। यहाँ से हमें दो क्रॉप्स एक साल में उगाने के एविडेंस मिलते हैं सेनुआर से, कि लोग भाई एक तो सर्दियों के टाइम पे एक क्रॉप उगा दी और फिर थोड़ा बारिश हुआ तब दूसरी क्रॉप उगा दी, या गर्मियों में कोई क्रॉप उग जाती है वो उगा दी। क्यों? क्योंकि जो बिहार वाला एरिया ना, यहाँ पे बारिश काफ़ी होती है, पानी काफ़ी मात्रा में मिलता है, तो दो क्रॉप्स एक साल में उगाना, इनके लिए गर्मियों में भी क्रॉप उगाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। तो टू क्रॉप्स यहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं। मेन क्रॉप इनका राइस ही है, उसके अलावा जो क्रॉप्स इन्होंने उगाई है वो है बार्ले यानी जौ, वीट की एक वैरायटी, सोरघम, रागी, दाल हैं, मटर हैं, और ऐसे अलग अलग तरीके की इन्होंने क्रॉप्स उगाई हैं। राइस तो आज भी जो पूरा गंगा वाला प्लेन का बेल्ट है ना, गंगा प्लेन का बेल्ट है या नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया कह लो, राइस आज भी वहाँ पे मेन क्रॉप है। बिहार के लोग, वेस्ट बंगाल के लोग आज भी चावल ही ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो पीरियड टू है ना, जिसमें हम बोल रहे थे कि चैल्कोलिथिक वाला फेज आ जाता है यहाँ पे, वहाँ पे हमें कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। कॉपर में हमें 19 कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जैसे फिश हुक मिले हैं, कुछ रिंग्स मिली हैं, कुछ टूटी हुई सुइयां मिली हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग कुछ ऐसी भी चीज़ें मिली हैं जो समझ नहीं पा रहे हिस्टोरियंस है क्या ये सारी, ऐसी 19 कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। और एक लेड की रॉड भी मिली है, ठीक है, लेड मतलब सीसा, तो लोग यहाँ पे सीसा भी इस्तेमाल कर रहे थे। ज़्यादातर पॉट्स जो थे वो वही व्हील मेड थे, और उनका कलर की हम बात करें तो फाइन स्लिप था उनका, मतलब फाइन स्लिप मतलब कलर, एक बहुत ही महीन तरीके से अच्छे से रंगा हुआ, और बर्निश्ड, हाई ग्रेड ऑफ बर्निशिंग, मतलब बहुत भयंकर तरीके से पॉलिशिंग की थी इसकी, उसके बाद उसके ऊपर कलर करते थे, तो मतलब बहुत एक अच्छा रॉयल लुक आ जाता था पॉटरी में। स्टोन टूल्स अब ज़्यादा बनने लगे हैं, माइक्रोलिथ ज़्यादा मिलने लगे हैं, गहनों में शेल के गहने मिल रहे हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे अगेट, कार्निलियन, जैस्पर, इन सब के हमको गहने मिलने लगते हैं, बीड्स मिलने लगती हैं, टेराकोटा के कई आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। प्लांट रिमेन्स की अगर हम बात करें तो वही वीट की और ग्राम की, मूंग की, इन सब के इन सब के रिमेन्स हमें मिलते हैं। ये तो हो गई सेनुआर की बात, सेनुआर से हमें क्या है, चैल्कोलिथिक लेवल भी मिला है। नेक्स्ट साइट जो है मनेर, मनेर से हमको नियोलिथिक लेवल ही मिला है बस। मनेर में जो नियोलिथिक डिपॉजिट है उसमें हाथ से बनी हुई लाल कलर के पॉट्स थे, और ग्रे कलर के भी कुछ पॉट्स थे, बर्निश्ड, रेड एंड ग्रे वेयर्स,
इसके अलावा यहाँ पे स्टोन माइक्रोलिथ्स थे और बोन से बनी हुई चीज़ें थी, टेराकोटा के स्पिंडल वॉल्स थे। स्पिंडल वॉल्स ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे डंडी सी होती है, इसके ऊपर से मिट्टी का मोटा सा टेराकोटा का ये स्ट्रक्चर चिपका देते हैं। उससे क्या होता है, जब धागा बुनना होता है ना, तो जैसे कॉटन ली, कॉटन को इसके आसपास ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे तो कॉटन का एक थ्रेड बन जाएगा। तो स्पिंडल वॉल्स मिले हमें यहाँ से। लास्ट लोकेशन जो है वो है तारादीह। तारादीह जो है वो महाबोधि टेम्पल है ना बोध गया का, उसके पास लोकेटेड है। महाबोधि टेम्पल में बुद्ध जो थे उन्हें इन्लाइटनमेंट मिली थी। यहाँ पे जो न्योलिथिक ऑक्यूपेशन है वहाँ से हमें हाथ से बनी हुई बर्निश्ड और अनबर्निश्ड लाल कलर के मृदभांड मिले, जिसके ऊपर कॉर्ड इम्प्रेशन है। ऐसे मतलब लाल कलर के मृदभांड है, उनकी पॉलिशिंग की हुई है, कुछ की नहीं है, और ऐसे कॉर्ड के इम्प्रेशन है। ऐसे डिज़ाइन डालने के लिए कुछ कुछ गीली मिट्टी में प्रेस कर दिया होगा। बोन्स मिली हमें यहाँ से कैटल की, गोट की, बुफेलो, पिक, शीप, डियर, बर्ड, इन सब की। कुछ कुछ डोमेस्टिकेटेड हैं, कुछ वाइल्ड हैं। प्लांट रिमेन्स में हमें यहाँ पे राइस, वीट और बार्ले देखने को मिल जाता है, और काफ़ी सारे हमें यहाँ से स्टोन टूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे नियोलिथिक हस्त कुठार हो गए, आपके छोटे छोटे लघु पाषाण औजार हो गए, छोटे छोटे बोन टूल्स हो गए। नियोलिथिक टूल्स की अगर हम बात करें, जैसे रिंग स्टोन्स या फिर शेल्ट्स हो गए, या रेक्टेंगुलर एक्सेस हो गई, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था इससे पहले वाले चैप्टर में कि नियोलिथिक टूल्स कौन कौन से थे, इस तरीके के, ऐसे जो खेती में ज़्यादा यूज़ हों, इस तरीके के हस्त कुठार, इस तरीके के, ये जो है जो सेल्ट, इन्हें बोलते हैं सेल्ट, ठीक है। तो ये जो सेल्ट है ना, ये हमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ स्टेट्स में भी मिलते हैं, पर दिक्कत ये आती है कि इनकी डेटिंग अभी तक प्रॉपर नहीं हो पाई है। तो अभी हमने बिहार और यूपी के बारे में तो पढ़ लिया कि वहाँ से जो साइट्स हमने एक्सकवेट की है, यूपी से हमने एक सोहागौड़ा साइट के बारे में पढ़ा, बिहार से हमने 5 साइट के बारे में पढ़ा, और उनमें से एक साइट थी सेनुवार, वो चालकोलिथिक थी। लेकिन बाकी हम यूपी बिहार से आगे जब बढ़ने लगते हैं ना, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनमें दिक्कत ये आती है कि जो टूल्स मिलते हैं ना, वो बहुत अलग अलग जगह पे थोड़े बहुत टूल्स मिल गए, और इनकी खुदाई भी अभी तक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट देके नहीं हुई है। ऊपर से जो टूल्स मिलते हैं ना, अभी तक हिस्टोरियंस ये श्योर नहीं है कि जो हमें टूल्स मिल रहे हैं ना, ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से, ये प्रॉपर कल्चरल सीक्वेंस पे हैं या नहीं है, इनकी डेटिंग अभी तक प्रॉपरली नहीं हो पाई है, ठीक है, ये दिक्कत आती है। बाकी तो हमने न्योलिथिक फेज़ है नॉर्थ ईस्टर्न वाला, वो काफ़ी लेट स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसके बारे में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में, क्योंकि अभी 2000, 3000, 4000 BC से स्टार्ट नहीं हो रहा, काफ़ी लेट है न्योलिथिक फेज़, इसलिए हम इसके बारे में अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे। अभी इन सारी साइट्स के बारे में हमने पढ़ लिया मेडल गंगा प्लेन की, और एक बात जो आपको याद रखनी वो है, सेनुवार में चालकोलिथिक लेवल था और बाकी सब में नहीं था।